नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्पाइस मनी एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज करके देखेंगे। उसके साथ ही साथ किसी भी कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे कैसे विड्रॉ किया जाता है वो भी आज हम इस वीडियो में विड्रॉ करके देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं आईडी पासवर्ड डाल के मैं स्पाइस मनी एप्लीकेशन को ऑलरेडी ओपन कर लिया हूँ। अगर आप किसी भी मोबाइल को रिचार्ज करना चाहेंगे, देखिए यहाँ मोबाइल प्रीपेड लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करके और इस पर क्लिक करके आप अपने ऑपरेटर को भी सिलेक्ट कर देना है। देन यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर को अच्छे से टाइप कर देना है। देन नीचे यहाँ सर्किल को सिलेक्ट कर देना है, यानी जिस स्टेट के अंदर कस्टमर बिलोंग्स करता है वही स्टेट को यहाँ सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद व्यू प्लान पर क्लिक करेंगे तो सारे प्लान यहां शो करने लगेगा, बिल्कुल इस तरह देखिए सारे प्लान यहां शो हो रहा है। देन कस्टमर जिस प्लान को रिचार्ज करने के लिए बोलेगा आप इस प्लान पर क्लिक कर देना है। जैसे कि देखिए यहां 50 रुपये शो हो रहा है, आप रिचार्ज नाउ पर क्लिक करके फाइनली कंफर्म कर देना है। अब आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो इसी तरह दोस्तों, स्पाइस मनी एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी मोबाइल नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर के बैंक खाते से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ APS विड्रॉ बोल के एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस शो करेगा। आप यहाँ कस्टमर का बैंक को सिलेक्ट कर देना है। देखिए कुछ बैंक यहाँ ऑलरेडी शो हो रहा है, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर कुछ बैंक शो नहीं भी हो रहा है तो देखिए यहाँ व्यू ऑल बैंक लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे बैंक यहाँ शो होने लगेगा। और यहाँ से कस्टमर का जो भी बैंक है उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने स्टेट बैंक सिलेक्ट किया हूँ, इसलिए यहाँ स्टेट बैंक सिलेक्ट होके आ गया है। और नीचे यहाँ कस्टमर का आधार नंबर को टाइप कर देना है। आधार नंबर को लिख देने के बाद यहाँ नीचे कस्टमर का एक मोबाइल नंबर को लिख देना है और यहाँ नीचे जितना रुपये कस्टमर विड्रॉ करना चाहता है उसको यहाँ लिख देना है। उसके बाद नीचे आके इस कंडीशन पर टिक कर लेना है। स्कैन करने से पहले ध्यान दीजिएगा, अपने मोबाइल पर फिंगरप्रिंट डिवाइस कनेक्ट रहना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मंत्रा डिवाइस को अपने मोबाइल पर ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया हूँ। अब आपको स्कैन फिंगर पर प्रेस करना है। स्कैन फिंगर पर प्रेस करते ही दोस्तों कंफर्मेशन के लिए आपको पूछा जाएगा, आपको कन्फर्म पर प्रेस कर देना है। तो आपके डिस्प्ले पर इस प्रकार फिंगरप्रिंट शो होगा और अपना मंत्रा डिवाइस में इस तरह लाइट जलेगा। तो आपको करना क्या है, कस्टमर का फिंगर को इस डिवाइस पर रख देना है। इसी तरह थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग हो सकता है। देखिए दोस्तों, विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया है, यानी मैं 500 रुपये विड्रॉ कर लिया हूँ और आप देख सकते हैं ये पैसा मेरे वॉलेट में भी ऐड हो गया है। तो दोस्तों, आप चाहे तो इसी तरह किसी भी कस्टमर के बैंक खाते से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।